बार के आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टीम के सीनियर और अहम खिलाड़ी सुरेश रैना को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के लिए रिटेन किया है। रैना लीग के 13वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग की टीम के साथ यूएई गए थे, लेकिन निजी कारणों के हवाला देते हुए वो बिना कोई मैच खेले भारत वापस लौट आए। रैना के इस फैसले के बाद और टीम मैनेजमेंट के बीच कुछ खींचातानी की खबरें भी सामने आई थी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पिछले साल 15 अगस्त 2020 को धोनी के संन्यास लेने के कुछ समय बाद अपने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया था। वही सीएसके के एक अधिकारी ने बातचीत में कहा, जी हाँ, हम सुरेश रैना को रिटेन कर रहे हैं और एमएस धोनी ही टीम की कप्तानी करेंगे। टीम के आज दिग्गज ऑफिस स्पिनर हरभजन सिंह का कॉन्ट्रैक्ट नए सीजन के लिए नहीं बढ़ाया गया, जिस कारण अब बच्ची अगले सीजन में किसी नई टीम के साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। हरभजन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, मेरी चेन्नई के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। इस टीम के साथ खेलना एक शानदार अनुभव है। 2 साल की यात्रा बेहतरीन रही। इस दौरान कई नए दोस्त बने। स्टाफ, टीम मैनेजमेंट और फैंस का शुक्रिया। हरभजन ने साल 2020 में खेले गए आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाए थे। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि सीएसके ने लेग स्पिनर पीयूष चावला और ओपनर मुरली विजय को अगले ऑक्शन के लिए रिलीज कर दिया है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग ने यूएई में पिछले साल खेले गए आईपीएल में अपने प्रदर्शन से निराश किया था। टीम पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इस बार टीम की कोशिश है कि नए सीजन से पहले कुछ खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदा जाए। LDNEWS रूम की रिपोर्ट।